सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय है और आप देख रहे हैं संजय कुमार चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में, ठीक है। तो लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि उसका भूचाल ट्रैक रिलीज़ हुआ है और जिस बंदे ने क्लेम करा था उसने एक नई वीडियो बनाई है और ये कहा है कि जो वीडियो पे जो पहले उन्होंने स्ट्राइक मारी थी, मतलब जो टेक डाउन करी थी वीडियो, और वो सब जो जोगिंदर ने जो इमोशनल वीडियो बनाई थी सब फेक थी, वो ये सब स्क्रिप्टेड था। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ प्रीवियस बातें बता देता हूँ जो कि थाराभाई जोगिंदर से रिलेटेड है। उन्होंने एक डिस्ट्रैक रिलीज़ करा था बवंडर करके, जो कि एक घंटे में किसी ने टेक डाउन करा दिया था। उनका नाम था संदीप बुलर करके। देखिए इन महाशय बहुत आते हैं ने इसको ब्लॉक कर दिया था। तो उन्होंने कहा भी था कि हमने मैंने ये व्यूज बहुत आते हैं। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है यार, इंस्टाग्राम ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि आप अब पैसा कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज होने स्टार्ट हो गई है। दोस्तों थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा और आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइज है या नहीं, उन्होंने क्या हेल्प करने। देखो ये है वीडियो, हेल्प करने के लिए किया था। और भाई जब लाइव आके बोला मेरे 3 लाख हो गए थे व्यूज एक घंटे में, भाई किसी ने भी वीडियो बनाई होगी ना तो स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा। तो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, इसलिए मैं बता देता हूँ मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। उस स्क्रीनशॉट में आप जाके देखो इसके एक दिन में 65,000 व्यूज थे सिर्फ। इसलिए उस गाने को इसने प्राइवेट भी कर रखा था। मैंने फ़ोन करके बोला, इसकी टीम से बात हुई थी जब मैंने इसे फ़ोन किया, तो भाई वो कह रही हैं कि जोगिंदर फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई ना, थोड़ी देर बात कर लेना। जैसे जैसे यह टाइम बीता गया इसकी टीम ने भी फ़ोन उठाना छोड़ दिया। तो भाई फिर क्या हुआ, उसके बाद जब मैंने वीडियो बना डाला ना कि प्राइवेट हो रखा है तो सभी को पता लग गया। और ये इसको पता लग गया कि हाँ भाई सभी को पता लग चुका है, अब मेरे को गाना रिलीज़ करना चाहिए। क्योंकि मैंने उस लाइव पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का लाइव पे, और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। लाइव में मैंने बोला कि भाई अगर 2 बजे तक ये गाना रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे मतलब फील सा हो रहा था कि ये बंदा गलत करेगा। तो भाई मैं लाइव आ गया, लाइव में मैंने बोल दिया अगर ये 2 बजे तक गाना रिलीज़ नहीं करेगा तो मैं इसका गूगल। गाइस इससे पता चलता है कि जोगिंदर ने इस बंदे के साथ भी अच्छा नहीं करा जो इन्होंने इसका साथ दिया था। मतलब उन्होंने बोला था कि आप इसको जो आपका चैनल डीमोनेटाइज हुआ हुआ है उससे भी आप अर्न कर सकते हो। एक जो सॉन्ग था जो भूचाल था उसको किसी स्पेसिफिक चीज़ में पेटेंट करवा कर जो मोनेटाइज का पैसा है वो उस पेटेंट पे चला जाएगा और आपका जो डीमोनेट आपको पैसे मिल सकते हैं उससे भी। तो उस इन बंदों ने भी उनकी हेल्प करी थी। अब ये जो कहते इनका भी फ़ोन नहीं उठा रहा, मतलब उनकी टीम और उनका फ़ोन नहीं उठा रहा, इसको भी उन्होंने लात मार दी है। ट्रैक पे लिंक मास्टर फाइलें सभी को दे दूंगा जो अपने चैनल पे डाल ली। तो भाइयों अगर मास्टर फाइल अगर आप भी डाउनलोड कर लेते हो ना तो ना रीयूज आएगा ना आपको कोई स्ट्राइक दे पाएगा, क्योंकि मास्टर फाइल है। तो दोस्तों यही हुआ था मेरे साथ, मैंने इसकी हेल्प की है, अब इसके पास पैसा भी आ रहा है। रीयूज कंटेंट से इसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था और अब इसने ट्यून कॉर में रजिस्टर करा लिया है, वाइट लिस्ट कर लिया। अब वाइट लिस्ट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं अगली वीडियो में आपको वो भी बना दूंगा, मतलब आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और अब इसे पैसा भी आ रहा है भाई, अब ये गरीब नहीं है कहीं का। तो दोस्तों रीयूज कंटेंट से चैनल डीमोनेटाइज होने के कारण क्राइटेरिया पूरा था, एड्स चल रही थी, उसके बाद जब क्लेम आएगा तो क्लेमर्स को पैसे जाएंगे। क्लेमर्स इसने ट्यून कोर को खुद पे रजिस्टर कराया हुआ है, मतलब जो बिहाफ ऑफ जोगिंदर अगर आप इसका गाना कोई भी डाउनलोड कर लोगे भूचाल तो उस पर भी क्लेम आ जाएगा। और क्लेम में आएगा ट्यून कोर बिहाफ ऑफ थाराभाई जोगिंदर, जाके आप कर सकते हो। दोस्तों मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी भाई,
इस बंदे ने कहा था 6 तारीख को मैंने भूचाल गाना लाना है, पिछला गाना बहुत डिले हो गया था, मेरी बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा इसे ब्लॉक कर देते हैं, आप मेरे को मास्टर फाइलें भेज दो। इससे पता चलता है कि जोगिंदर जो है वो सब फेक चीज़ें हैं और सबसे बड़ी गेम वही खेल रहा है। वो जनता ना यूट्यूबर्स पागल है ना जोगिंदर पागल है, वो जनता पागल हो रखी है। इमोशनल गेम खेल रहा है जोगिंदर हम सबके साथ। के बाद मैंने इसे ब्लॉक कर दिया और इस बंदे को साइन पट्टी लेने के लिए आ गया बंदा। और इसने ये भी कहा कि भाई मेरे कारण, जबकि हमारी बात हुई थी कि ये कह दो कि जिसने सिंपथी ले रहा है सबकी। सही बोल रहे हो, मेरी एक वीडियो भी है उसकी सिंपथी लेने वाली। कौन सी वाली है? तारा भाई जोगिंदर, ये तो मैं चला भी नहीं सकता, मुझे क्लेम आ जाएगा। जो कि इस पर एड्स भी नहीं चलेगी तब भी क्लेम आ जाएगा। ये वाला ज्यादा क्या होगा, ये लोग गाली बक सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ये लोग आपकी बेइज्जती कर सकते हैं मार्केट में। सब्सक्रिप्टेड पर कब तक करेंगे यार? अगर हम लोग इनकी बेइज्जती सहते रहेंगे ना पूरी जिंदगी, तो शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वो गरीब बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते जिनको पर ये लोग रोस्ट करते हैं। इमोशनल इनकी रोस्टिंग बंद कराओ आप लोग। आप लोग उठो यार। और आप इन्होंने जो संदीप जी के साथ कराया वो कहाँ तक सही है, मैं देखना भी नहीं चाहता। सो गाइज देखो 5.4 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इसके। अगर आप ये चीज़ नहीं चलती तो इतने इतने अबे बिठने की कोशिश मत करना, इतने व्यूज़ नहीं होते। मैं हार नहीं मानूंगा। संपत्ति गेम कार्ड खेला है इन्होंने, 19 मिलियन व्यूज़। वाह बवंडर। चलो गाइस देखने के लिए धन्यवाद। आशा आपको समझ आया होगा कि जोगिंदर इज अ बिग गेम प्लेयर, छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं रहा है। बाय।